जिस प्रेम रोगी ने दिखाया समाज के हिस्सों का समाज को आईना, वो मदारी अब शीशा दिखाकर खेल नहीं दिखाएगा। रचनात्मकता को जीवंत बना भीड़ से उठाने वो जोकर भी अब बीहड़ों में दौड़ नहीं लगाएगा। दिखाई पक्षपाती प्रवृत्ति जिसने मुल्क में भटके समाज की, वो कारवां लेकर अब अग्निपथ से फिर नहीं जाएगा। हम किसी से कम नहीं का तराना ले जब अकबर शौकत लाइफ ऑफ पाए लाए, हासिल की भूमिका में कर्ज उम्दा किरदारी है मोहब्बत का। हिंदी की डोरी से आज़ाद पीढ़ी निर्माण हेतु पहुँचाए, पीकू दामिनी की अद्भुत धाराएं समाज में बहाने जो लाए, ये आज़ाद परिंदे बेबाकपन लेकर आँखों में चमक अपनी लाए। देखो देखो दूर ये अब चले हैं, लेकिन दीक्षा सच्चेपन की इनकी बस गई भीतर है। मुकम्मल हुआ यूं रिश्ता पोशिंदा जैसे धरती पे रश के कमर है, इनकी इन दिखाई आज़ाद राहों पर स्वयं ही इंसान जाएगा। जुनून का दामन थाम वो अब में पूरा जी जाएगा। कला के क्षेत्र में जो रचना कर आगे बढ़ता जाएगा, वो डफले की खनक लिए बगीचे सी हरियाली पाएगा। महक से अपनी गुलशन इंसानियत का वो महकाएगा। इस तरह डफली वाला कोई मदारी फिर कोई खेल दिखा जाएगा, मोहब्बत और जिद का असल हासिल बता जाएगा। अब अंतिम इन दो पंक्तियों से कला के रचनात्मक अतुल्य दो नगीनों को समर्पित इस संदर्भित कड़ी को विराम देना चाहूँगा कि अकेले ही निकले थे हम जानिबे मंजिल, अकेले ही निकले थे हम जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया, वो बढ़ते गए मैं चलता गया। करुणा प्रेम न्याय शांति समानुभूतिक वजूद, ये है मानव अस्तित्व का सार। आप सभी का इस कड़ी का हिस्सा होने के लिए बहुत बहुत आभार। मैं पोशिंदा।